लेकिन शासन की ओर से 2 महीने बीतने के बाद भी अभी किसी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये सरकार केवल होर्डिंग में है, विज्ञापन में है, इसके अलावा किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। इसके कहने थोड़ी राजीव बृजमोहन अग्रवाल जी ने शुरू किया क्या? राजीव माघी पुन्नी मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, हम तो बचपने में जाते रहे, बैलगाड़ी में गए तो हमेशा जाते रहे, लेकिन इसके कहने से हम लोग नहीं जाएंगे। अब तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग को एटीएम बोलते तो हम लोग एनी टाइम मनी, इसके लिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम से। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष धान, किसान सहित दूसरे मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आई। सदन में विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए ये बात तो तय है कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। सदन के पहले ही दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले समय भी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारे विषयों का उल्लेख नहीं था। आपत्तिजनक बात है, राजिम पुन्नी मेला राजपत्र में प्रकाशित है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में बदले नाम का जिक्र किया गया। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन ना किसानों को पैसा दिया, ना तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला, जबकि पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई थी, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में महतारी वंदन योजना का जिक्र किया गया, लेकिन अब तक एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है। भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ होर्डिंग में है, धान का 3100 नहीं दे रहे, किसान दर दर भटक रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4th किस्त सरकार ने नहीं दी है। वहीं योजनाओं के नाम बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार का काम ही यही है, योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के एटीएम वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि हाँ, हम एटीएम थे किसानों के लिए, आम जनता के लिए, ये तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राजिम डुबकी लगाने जाएंगे, इस सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बोलने पर नहीं जाएंगे, हम तो वहाँ बचपन से जा रहे हैं। भूपेश बघेल के इस कटाक्ष पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।